जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रविवार को श्रीनगर में विशाल अंतर्राष्ट्रीय मैराथन को हरी झंडी दिखाई। रविवार सुबह करीब 6:20 पर उमर अब्दुल्ला और बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी ने पोलो व्यू स्ट्रीट से पहली अंतर्राष्ट्रीय मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कुछ समय तक एथलीटों के साथ दौड़ भी लगाई। इस दौरान उनके सुरक्षाकर्मी भी उनके साथ दौड़े। पर्यटन निदेशक कश्मीर रजा याकूब फारूक ने कहा कि कश्मीर मैराथन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शीर्ष धावकों सहित 2000 से अधिक एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। इस आयोजन का उद्देश्य दुनिया को यह दिखाना है कि घाटी में कानून व्यवस्था और स्थिति में सुधार हुआ है। निदेशक ने शनिवार को प्रेस वार्ता में कहा कि यहां दुनिया भर से सर्वश्रेष्ठ एथलीट्स पहुंच रहे हैं। हमारे पास शीर्ष भारतीय धावक, एशियाई स्वर्ण पदक विजेता, यूरोप और अफ्रीका के कुछ शीर्ष धावक हैं। पर्यटन विभाग के पास दुनिया भर से 2030 एथलीटों के पंजीकरण प्राप्त हुए हैं। मैराथन में 13 देशों के 59 एथलीट और विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के 29 शीर्ष एथलीट्स भाग ले रहे हैं। मैराथन के मौके पर अभिनेता सुनील शेट्टी ने कहा कि लोग कश्मीर आना चाहते हैं और इस तरह का आयोजन पूरी दुनिया को संदेश देता है कि दुनिया भर से लोग यहां भाग लेने के लिए आ रहे हैं और यह एक बड़ी बात है। जम्मू कश्मीर दुनिया के लिए स्वर्ग है। एक्साइटिंग बिकॉज इतने सारे बच्चे एक्साइटेड है यू नो इसके लिए दैट इट्स अनबिलीवेबल। तो बहुत अच्छा लगा रनिंग इन पैराडाइज। आई मीन इससे बढ़िया और कुछ हो नहीं सकता। विल इट प्रमोट एडवेंचर टूरिज्म, एडवेंचर स्पोर्ट्स? 100% इट विल, यू नो, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट 42 किलोमीटर्स ऑफ रन थ्रू पैराडाइज एंड कश्मीर वॉज ऑलवेज नोन फॉर इट्स ब्यूटी। सो आई थिंक द वर्ल्ड इज ओनली लुकिंग फॉरवर्ड टू कमिंग बैक। यू मोर देन 11 to 15 participants from all nationalities. Tells you how safe it is, tells you how beautiful it is. During past, maximum legends of Bollywood industry were visiting Kashmir. Absolutely. So, do you think it will promote Bollywood tourism also? Of course, a lot of films are already being shot here and we're looking forward to shooting this year. So, you know, very excited about that, of coming back to our very own Kashmir to shoot.